हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, साइंसदानों ने लेबोरेटरी के अंदर जिंदगी के बुनियादी अज्जा बना लिए हैं। दोस्तों, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड दोस्तों जिंदगी के बुनियादी अज्जा होते हैं और ये बहुत सारी किस्म के होते हैं। उन्होंने क्या किया दोस्तों, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड दोनों को लिया, एक साथ मिलाया और लाइट से एक्सपोजर दिया। दोस्तों, इस सूरत में क्या हुआ, उनका रिएक्शन हुआ और अमीनो एसिड बन गए। मगर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ही चीज़ों को मिलाएंगे मगर लाइट का एक्सपोजर नहीं देंगे और फिर देखेंगे कि इसका रिएक्शन किस तरह से होता है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहाँ इस्तेमाल होती है भाई? हाइड्रोजन परऑक्साइड क्लीनिंग में इस्तेमाल होती है, मेडिसिन में इस्तेमाल होती है, इसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये कहाँ इस्तेमाल होता है? दोस्तों, ये भी वॉशिंग डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है, गारमेंट्स के अंदर। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिंग में भी इस्तेमाल होता है और मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को हम मिलाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले बारी आती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, जिसका फॉर्मूला है H2O2 और ये क्लीनिंग में इस्तेमाल होती है। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड को मैंने इस गिलास के अंदर डाल दिया। अब बारी आएगी दूसरे इंग्रेडिएंट की, इसको कहते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो दोस्तों, सोडियम मेटाबाइसल्फेट इसके अंदर डालते हैं और आप फास्ट फॉरवर्ड में देखिएगा। रिएक्शन के बाद दोस्तों, यह है फाइनल प्रोडक्ट।